नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल आशीष भारद्वाज VCC पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास से आपने ली है, काफ़ी ज़्यादा आपके RKCL में RSCIT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके जो क्वेश्चंस बैठे थे, आपने बताए हुए थे हमारे क्वेश्चंस में से, उसमें से 29 क्वेश्चन आपके सभी बच्चों के बैठे हैं। तो उसी क्रम में हम आगे हमारी क्लासेस स्टार्ट करना चाहेंगे। तो आज हमारी जो क्लास है वो है MS Word का जो आपका पूरा फॉर्मेट है वो बताया जाएगा। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। तो आज चलिए अपन स्टार्ट करते हैं MS Word। तो आइए चैनल का एक बार आप फिर से ध्यान रखिए, शेयर भी कीजिए सभी को ये क्लासेस। अब चलते हैं अपन आगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आज अपन सीखेंगे MS Word। अब MS Word अपन को सीखने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने स्टार्ट मेन्यू में जाइए। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद में आप यहाँ पे ऑफिस सर्च कीजिए। ऑफिस सर्च करोगे तो ये देखिए आपके यहाँ पे MS Word 2007 आपके सामने ओपन हो चुका है। तो ये आपके सामने MS Word 2007 है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये पूरा इसका जो प्रोफाइल है, इसे क्या बोलेंगे अपन, ये इसका अपना वर्ड पेज बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे वर्ड पेज। तो आपके सामने जो ये जो दिख रहा है एरिया, ये पूरा ब्लैंक पेज क्या कहलाता है, ये पूरा ब्लैंक पेज कहलाता है। यह आपने टाइटल बार कहलाता है, जहाँ पे आपकी फाइल का नाम शो हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो आपको 4-5 ऑप्शन देख रहे हैं, इसे बोलते हैं अपन QAT, क्विक एसेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसे, क्विक एसेस टूल बार। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए क्लोज, क्लोज की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस नहीं Alt+ F4 और एस्केप से भी आप क्लोज कर सकते हो। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये दोनों ऑप्शन है। मिनिमाइज से फाइल को आप नीचे की तरफ में टास्क बार पर डाल सकते हो और मैक्सिमाइज से इसे छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो ये इसका जनरल यूज़ होता है। उसके बाद में अपन आते हैं वापस रिबिन, ये अपना पूरा रिबिन बार है। देखिए दोस्तों, ये पूरा अपना जो है ये रिबिन बार है, ठीक है। ये इसके अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फोन, पेरोग्राफ, स्टाइल, ठीक है, एडिटिंग। ये जो आप देख रहे हो ये खाली वाइट वाइट स्पेस, इसे अपन बोलते हैं मार्जिन। देखिएगा आप माउस पे ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पे माउस जा रहा है वहाँ पे ये अपने क्या कहलाएगा, मार्जिन। ये आपको देखिए ये खाली स्पेस है, मार्जिन है पूरा। ये होता है अपने स्क्रॉल बार, जिससे पेज ऊपर नीचे लिया जाता है। नीचे देखिएगा तो ये अपने स्टेटस बार है। स्टेटस बार में पेज संख्या, वर्ड, क्या शैली में आप टाइप कर रहे हो, कौन से पेज है, वन साइडेड, टू साइडेड है, जूम बार कितना है। जूम बार अपने यहाँ पे होता है देखिएगा 10 से डिफ़ॉल्ट होता है 100, और हाईएस्ट होता है कितना होता है हाईएस्ट, ये देखिएगा 500, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है तो 100, और हाईएस्ट 500 होता है, मिनिमम 10 होता है। तो ये चीज़ भी अपने को याद रखने है लायक है, क्योंकि ये भी RSCIT के एग्ज़ाम में आती है। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने इसे पूरा ब्लैंक पेज बोलेंगे, इस पर अपन टाइप कर सकते हैं। इससे आपको जो भी टाइप करना हो इस पर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि अपने चैनल का नाम है, पहले तो अपने कोचिंग का नाम टाइप करें, विनायक कोचिंग। ये देखिए आपके सामने विनायक कोचिंग क्लासेज आ चुकी है। अपन इसे एडिट भी करेंगे, फिलहाल मैं आपके सामने शॉर्टकट में एडिट करता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ यार अपन कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो गया ये, तो हमें इतना बड़ा नहीं करना है, तो हम इसे वापस थोड़े से देर छोटा कर देते हैं ताकि नॉर्मली भी आपको पता चल जाए कि क्या अपने कर रहे हैं, किस चीज़ पे अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने MS Word। MS Word की आज की क्लास में आपके सबसे पहले अपन जानकारी लेंगे ऑफिस बटन की। अब ऑफिस बटन आप पूछोगे कहाँ है, तो ये रहा ऑफिस बटन अपना, यहाँ पे ऑफिस बटन, जैसे क्या बोलेंगे ऑफिस बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसमें ऑप्शन खुल जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करना है, ये ध्यान रखना। आप लेफ्ट क्लिक जैसे करोगे इस पर ऑप्शन खुल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करोगे सबसे पहले आएगा न्यू, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, एक बार ध्यान रख लेना शॉर्टकट की क्या होती है न्यू की। इसे एक बार मैं आपको यहाँ पर टाइप करके लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो, Ctrl+N। ये होती है अपने शॉर्टकट की होती है, किसकी होती है ये शॉर्टकट की, इसकी होती है न्यू की। डॉक्यूमेंट्स में न्यू फाइल ओपन करने के लिए किसकी, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+N। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, ठीक है। किसी फाइल, जैसे कि अपन को न्यू फाइल बनानी है अभी, तो ये न्यू फाइल क्लिक करते हैं, यहाँ पे आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पे आप क्रिएट, तो ये अपने वापस नई फाइल खुल गई, पहले वाली फाइल अपने मिनिमाइज हो गई। वापस इस पर आएंगे, ये तो होती है न्यू। अब होती है कि अपन
सबसे पहले क्या करते हैं, सेव करते हैं फाइल बनाने के बाद में पहले सेव पे जाएंगे, या फिर पहले किसी पुरानी फाइल को अपन ओपन करनी हो तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, ओपन का। ओपन का यूज़ करोगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा, आप कौन सी वाली फाइल यूज लेना चाहते हो। मैंने रिज्यूम पे क्लिक किया है, ये ओपन करूँगा तो ये रिज्यूम खुल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है अपनी पुरानी फाइल जो पहले से सेव है, उसे ओपन करने की इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O इज इक्वल, क्या कराती है ये, दोस्तों ये उसकी शॉर्टकट की होती है, लिख लीजिए Ctrl+O, या फिर आप यहाँ पे जाके क्लिक करके पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हो। फिर आती है अपने पास सेव, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। इस फाइल को सेव करने के लिए जैसे मैं इस पे सेव पे क्लिक करूँगा, ये अपना सबसे पहले फाइल का नाम मांगेगी, कुछ भी आप डाल दो यहाँ पे, ये मैंने फाइल का नाम डाल दिया। अब आप देखोगे जैसे मैं फाइल का नाम डालता हूँ, यहाँ पे टाइटल बार जो ऊपर वहाँ पे भी विनायक कोचिंग क्लासेस MSword लिखा हुआ आ चुका है। तो ये चीज़ होती है, ये टाइटल बार क्या प्रदर्शित करता है, आपकी फाइल का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम। तो ये आप कहाँ से देखोगे, टाइटल बार से देखोगे। अब इसे आपको वापस फाइल को ओपन में देखना है तो ओपन में मिलेगी, सेव पे क्लिक करना है तो सेव सुरक्षित हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। ये इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट आते हैं अपन सेव एज, सेव की हुई फाइल का नया नाम या रीनेम करना, तो उसके लिए अपन सेव एज करते हैं। प्लस अपन ने जैसे कि ये फाइल यहाँ तक लिखी है, अपन ने सेव की थी कहाँ तक, ओपन तक। अब अपन को सेव करेंगे तो सेव एज करते हैं, अपन कहाँ तक क्लिक सेव हो जाएगी, Ctrl+S। अब ये फाइल कहाँ तक अपन को नए नाम से सेव करनी, नहीं करनी उसी नाम से सेव। अब ये फाइल अपने यहाँ तक सेव हो जाएगी, मतलब नया नाम भी दे सकते हो सेव इसमें, आप इसका नया नाम भी दे सकते हो। फिर आते हैं अपने प्रिंट, प्रिंट में सबसे पहले बाय डिफॉल्ट अपन ने अगर प्रिंट पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट प्रिंटर का नाम मांग लेगा, पेज नंबर, कितनी कॉपीज निकालनी, ओके करने के बाद ये प्रिंट हो जाएगी। पर उसके अदरवाइज भी जैसे कि आप यहाँ पे प्रिंट पे में तीन तीन ऑप्शन देख सकते हो प्रिंट, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट अपने ओपन हुआ था प्रिंट। फिर उसके बाद में आता है क्विक प्रिंट, जिससे आपके क्या है कि प्रिंट में और कुछ एडिट करना हो नहीं, क्विक प्रिंट्स में डायरेक्ट आपके प्रिंट आउट ले लेगा, जो आपके सिस्टम पे लगी हुई देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट ले ली इसने, तो अपन इसे वापस रद्द कर देंगे क्योंकि अपन प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो इसे अपन जॉब को कैंसिल कर देंगे। ये अपन यहाँ पे इसे कैंसिल करना चाहेंगे, ये कैंसिल कर दी गई है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। क्विक प्रिंट में डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। फिर अपन यहाँ पे देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू के पेज कैसा प्रिंट निकलेगा, तो अपने सामने आप देख सकते हो ये प्रिंट अपने ऐसे इस तरीके से प्रिंट निकलेगा। तो ये होता है अपना प्रिंट प्रीव्यू, इसके अंदर तीन ऑप्शन होते हैं। फिर अपने आता है प्रिपेयर, प्रिपेयर का अपन यूज़ नहीं करते, हालांकि इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए इसका यूज़ किया जाता है, उसको कंप्रेस वगैरह करने के लिए फाइल को किसी इस फाइल डॉक्यूमेंट फाइल को डायरेक्ट ईमेल के जरिए अटैच करके सेंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पब्लिश में इसमें डायरेक्ट आपसे ब्लॉग या फिर किसी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस के सर्वर के माध्यम से एक फाइल से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर कर सकते हो या क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस में डाल सकते हो इसे। और फिर आता है क्लोज अंत में जो Ctrl+F4, जिसकी आपकी शॉर्टकट की होती है, आपसे से इस तरीके से भी कट को क्लोज बंद कर सकते हो दोस्तों। ये होता है अपने ऑफिस बटन, आपको जो अभी मैंने बताया है पूरा ऑफिस बटन बताया है, ऑफिस बटन का आपको अच्छे से यूज़ आ चुका होगा, एक बार आप ऑफिस देख लीजिए। फाइल को न्यू बनाना हो तो Ctrl+N, न्यू। फाइल को ओपन करनी हो तो ओपन ओपन का ऑप्शन लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। और फाइल को सेव करना हो तो इसको मैं आपके सामने जूम करूँगा थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों, देख पा रहे हो आप, ओपन ओपन का यूज़ करने पर आपकी क्योंकि फाइल वापस ओपन कर सकते हो आप इसे। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O, सेव Ctrl+S, सेव एज से आप इस फाइल को वापस पुनः नए नाम में सेव कर सकते हो। प्रिंट Ctrl+P, अपन ने अपने प्रिंट की शॉर्टकट की लिखना भूल चुके हैं, Ctrl+P, इससे डायरेक्ट फाइल आपकी क्या होगी, प्रिंट होगी, Ctrl+P।
तो इसके साथ में प्रिंट, फिर उसके बाद में क्लोज, ये सब पूरा आपने पूरा ऑफिस बटन अपना पूरा हो चुका है। इसके अंदर के जो मेन मोस्टली RSAT एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हैं, जो तीनों आपके सामने शॉर्टकट, चारों आपके सामने शॉर्टकट कीज है वो हैं, उसका उपयोग करके प्लस अपने न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और क्लोज, ये पूरा ऑफिस बटन अपना पूरा हो चुका है। ये अपने QAT होता है, क्विक एसेस टूल बार, इसका याद रखने के लिए इसका क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम भी, QAT क्विक एसेस टूल बार होता है, इसका अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपके ये पूरा ना पूरा MS Word है। तो आपके MS Word का पहला चैप्टर का पहला पॉइंट ये कंप्लीट है। ऑफिस बटन आपके क्लियर है। किसी प्रकार की समस्या हो कमेंट करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।